8.5 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर्स घूमा करते थे और राज किया करते थे, लेकिन पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा है। इन विशालकाय समुद्र में जीवन धरती से ज्यादा कठिन और खतरनाक हुआ करता था। डायनासोर्स के समय में इस काली और गहरी समुद्री दुनिया में एक डरावना शिकारी जन्म लेता है। यह दानव और कोई नहीं बल्कि मोसासोरस था। मोसासोरस आज से 8 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के दौरान पाया जाया करते थे। उस समय समंदर आज के मुकाबले कई ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। एक से बढ़कर एक दानव समंदर में घूमा करते थे जिनमें गजब की क्षमता थी, और ऐसे समय में मोसासोरस समुद्री दुनिया पर राज किया करते थे। मोसासोरस को क्रिटेशियस पीरियड का टीरेक्स माना जाया करता था। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि टीरेक्स धरती पर रह चुका सबसे खतरनाक डायनासोरस था। मोसासोरस कोई डायनासोरस नहीं बल्कि वे तो एक विशाल काय रेप्टाइल था। ठीक आज के कछुओं की तरह एक रेप्टाइल होने के बावजूद भी वे समुद्र में रहने वाले हर एक डायनासोर से ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली था। एक मोसासोरस आज के समय में पाए जाने वाले सांप, छिपकली, शार्क और कोमोडो ड्रैगन के मिश्रण जैसा दिखता था। वैज्ञानिक कहते हैं कि मोसासोरस लगभग एक कोमोडो ड्रैगन के जैसा दिखता था, बस पैरों की जगह उनकी मछली की तरह फ्लिपर्स होते थे और उनकी पूंछ एक शार्क की तरह होती थी, जिसमें पता चलता है कि वे बहुत तेजी से पानी में तैरा करते थे। बल्कि कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आज के कोमोडो ड्रैगन के पूर्वज और कोई नहीं बल्कि मोसासोरस थे। इन विशालकाय दानव का वजन करीब 8000 किलोग्राम वजन हुआ करता था, जो कि पानी में रहने वाले हर जीव को अपना शिकार बना लिया करते थे। चाहे उस समय के कछुए हों, शार्क हो, प्लेसिसोर्स हों, यहाँ तक कि खतरनाक शिकारी चिड़िया भी मोसासोरस से बच नहीं पाती थी। मोसासोरस का मुंह ठीक एक सांप की तरह था, यानी कि वे एक सांप की तरह ही अपने से बड़े जानवरों को भी जिंदा निकल जाया करते थे। मोसासोरस की लंबाई जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि सबसे पहले इन दानव के सबूत कैसे मिले। मोसासोरस का सबसे पहला फॉसिल सन 1764 में होलैंड के मूस नदी के किनारे मिला, जहां मोसासोरस का सिर्फ सिर पाया गया था। वे साल 1834 का समय था जब एक पूरे मोसासोरस का अवशेष मिला, जो कि 15 फीट लंबा था। हैरानी वाली बात यह थी कि यह अवशेष किसी समुद्र के किनारे नहीं बल्कि हंगरी के एक छोटे गांव में एक नदी के किनारे मिला, जो बताता है कि मोसासोरस बड़े और गहरे समुद्र के साथ साथ छोटी नदियों में भी रहा करते थे। इस अवशेष के मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि मोसासोरस 15 से 30 फीट के होते होंगे, लेकिन समय के साथ उन्हें ऐसा अवशेष मिला जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वैज्ञानिकों के एक टीम को 156 फीट मोसासोरस का फॉसिल मिला, 56 फीट यानी कि एक एवरेज भारतीय बस की जितना बड़ा। इस फॉसिल का नाम टायरानोसोरस रखा गया और यह मोसासोर है। जुरासिक वर्ल्ड मूवी के इस सीन में जो रेप्टाइल पानी में दिखाया गया वो और कोई नहीं बल्कि एक टायरानोसोरस मोसासोर था, क्योंकि 56 फीट के अवशेष से इंस्पायर होकर बनाया गया था। एक मोसासोरस लगभग ऐसे ही दिखते थे, और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि वे कितने खतरनाक और डरावने हुआ करते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय मोसासोरस को रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन कोई भी चीज कितना भी ताकतवर हो, मदर नेचर के सामने सब छोटे नजर आते हैं। क्रिएचर पीरियड के अंत में धरती पर इतनी बड़ी प्रलय आई कि सभी डायनासोर सहित मोसासोरस भी खत्म हो गए। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर मोसासोरस किसी तरह से बच गए हों और वे आज भी समुद्र में जीवित हों। साल 2014 में कार्निवल कर्स में बैठे यात्री पॉल जॉर्ज ने यह दावा किया कि जब उनका शिप गल्फ ऑफ मैक्सिको से गुजर रहा था, तब उन्होंने बीच समुद्र में एक विशालकाय जीव को पानी के ऊपर आते हुए देखा। उनका कहना था कि वो लगभग 50 फीट का था और पानी के बाहर आते ही वे तुरंत ही समुद्र की गहराई में छिप गया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मोसासोरस एक रेप्टाइल था, और हर एक रेप्टाइल की तरह उसे भी सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता था। तो क्या पॉल जॉर्ज को मोसासोरस दिखा था? क्या वे आज भी जीवित हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि मोसासोरस को ज्यादा नमक वाले पानी में रहने की आदत थी, और आज के समुद्र के पानी में उस समय के पानी के मुकाबले 2 गुना कम नमक पाया जाता है। यानी कि अगर मोसासोरस आज भी जीवित होते तो उनके मिलने की संभावना समुद्र से ज्यादा छोटी बड़ी नदियों में ज्यादा होता। मोसासोर का मन पसंद खाना शार्क था, यानी कि अगर वे जिंदा होते तो सभी मछलियों के साथ साथ शार्क की संख्या भी काफी कम हो जाती, और आज के शार्क में इतना भी दम नहीं कि वे मोसासोरस को मार गिराए। मछलियों के कम होने के कारण समुद्र में जीवन उथल पुथल हो जाता, लेकिन मदर नेचर कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती है धरती को बैलेंस रखने के लिए। यानी कि अगर मोसासोरस जीवित होता तो कोई ना कोई ऐसा जीव भी मौजूद होता जो मोसासोरस के ताकत के बराबर या फिर उनसे ज्यादा ताकतवर या और भी खतरनाक होता, ताकि समुद्र में बैलेंस बना रहे। शायद वे जीव मेगालोडन होता जो मोसासोरस को भी मार गिराने में सक्षम होता। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या मोसासोरस आज भी जीवित है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।